ये देखो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई हैं ऊपर से, हर जगह स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई हैं। 3:19 पर ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है। ये टोरंटो का सीन आपको दिखा, नो वे, ओ माय गॉड, 3:20 पर कंप्लीट डार्कनेस गाइस। ये नहीं, ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगा, कंप्लीट डार्कनेस हो गई है यार। इट्स इनक्रेडिबल, अमेजिंग सीन है यार, कुछ नजर नहीं आ रहा। आज यहाँ पे जो है ना वो 8 अप्रैल है और वो दिन है जिसका यहाँ पे ख़ास तौर पे कनाडा में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। हर जगह न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा था क्योंकि आज सोलर इक्लिप्स होने वाला है। तो भाई इस डे को, यहाँ के जो दिन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मेमोरेबल इवेंट है, एक के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के तौर पर कहा जा रहा है कि आपको जाके देखना चाहिए। हर जगह न्यूज़ चैनल पर भी कहा जा रहा है, लेकिन फुल जो है ना सेफ्टी के साथ आए, आपने पूरी ग्लासेस पहन के निकलना है, ऐसे ही नहीं निकलना। पिछले कुछ दिनों से ना हर जगह न्यूज़ चैनल पर यही दिखाया जा रहा है कि नेशनल ज्योग्राफिक ने जो है नायग्रा फॉल को दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट स्पॉट करार दिया है जहाँ पे आप सोलर एक्लिप्स को जाके व्यू कर सकते हो। इसकी वजह से जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने नायग्रा फॉल पर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवर 1 मिलियन पीपल आएगा, यहाँ पे लोग आएंगे ये मेमोरेबल इवेंट, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट को व्यू करने के लिए, देखने के लिए। और इसके अलावा जो है बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, नासा वाले, नेशनल ज्योग्राफिक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले और जो है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, वो ऑलरेडी नायग्रा फॉल पे पहुंच चुके हैं। प्लान मेरा भी यही था कि नायग्रा फॉल पे जाऊं, लेकिन क्या करूं, एक तो ग्लासेस नहीं मिली देखने के लिए और दूसरा ये कि लेट जो है काफ़ी प्लान बना, अचानक प्लान बना, तो भाई उस टाइम बहुत लेट हो चुकी थी। जितने भी होटल्स मैंने देखे ऑलरेडी, जो एक 100 या 200 डॉलर पर नाइट का रूम मिलता था वो मोर देन $500 पर पहुँच चुका था वहाँ पर। और दूसरा जो हर जगह न्यूज़ पे और सिटी गवर्नमेंट वाले यही बार बार कह रहे थे कि भाई आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, अपने घर के पास जो भी बेस्ट जगह आपको मिलती है वहाँ पे जाके आप व्यू करो, नायग्रा फॉल पे इस टाइम मत जाओ क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आप जाओगे तो फंस जाने वाली बात है, तंग होने वाली बात है, जितनी वहाँ पर ट्रैफिक होगी और जब ये ख़त्म होगा तो भाई पागलों की तरह लोग निकलेंगे। तो उससे बेटर है कि आप लोग घर पर ही रह के देखो, कहीं बाहर पब्लिक जो है ना, कहीं कोई भी ओपन एरिया में चले जाओ वहाँ पे जाके देखो। मेरे घर के पास यहाँ पे लेक शोर भी है, वहाँ पर जाके देख सकता हूँ, कोशिश करूँगा आपको जितना हो सकेगा दिखाऊँगा। नायग्रा फॉल भी 1 घंटे की ड्राइव पे है घर से, लेकिन वहाँ जा नहीं सकता, तो लेक शोर है यहाँ पे, वहाँ जाके देखेंगे या फिर घर से बाहर निकल के दिखाऊंगा, जहाँ से भी पॉसिबल बेस्ट व्यू हुआ वो आपको दिखाऊंगा जितना भी हो सकेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे पड़े हैं क्योंकि यहाँ के टाइम के मुताबिक अभी जो है वो 12 बज रहे हैं दिन के, और यहाँ के टाइम के मुताबिक जो 3:20 या 19 पर जो पूरा जो है ना 99% एक्लिप्स होगा, टोटल जो है ना टोटल ऑलमोस्ट टोटेलिटी में जा रहा है, टोटल एक्लिप्स होगा यहाँ पे 99% 3:19 पर। तो वो भी आपको जब 3:19 होंगे तो भाई बाहर निकल के आपको दिखाऊंगा क्या सिचुएशन है, कितना अंधेरा हो जाता है। ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि फुल तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट डार्क हो ही जाएगा, वो सारा सीन आपको दिखाऊँगा। फर्स्ट टाइम मैं भी इसको जो है ना आके खुद देखूँगा, अपनी आँखों से लाइव देखूँगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको आप नहीं देख सकते वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर रात होगी, वहाँ पर तो आप इसको व्यू नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद बाहर निकल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। पहले अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि जो है अभी न्यूज़ पे क्या चल रहा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, सुबह 5 बजे से शहरी के बाद से मैं TV देख रहा हूँ और ये ऐसे ही लाइव लगा हुआ है। देखो अभी 2 बज रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, ऐसा ये लोग ऐसा ले रहे हैं TV पे ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, और पूरा दिन उनको लाइव दिखा रहे हैं सुबह से। अभी देखो ये बीच पे पहुंचे हैं, लाइव वहाँ से दिखा रहे हैं, ये बीच पे लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि भाई ये जो है ना वंस इन अ लाइफ टाइम है, तो भाई इसको जितने भी लोग हैं ना इसको पूरा इंजॉय करना चाहते हैं। हर जगह रश मचा हुआ है, हर जगह जो है ना भाई देखने वाला सीन है। बाहर फोर्ट एरी बेसिकली ये टोरंटो के साथ एक सिटी है, वहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो टोटलिटी है, बिल्कुल वैसे टोरंटो में 99% बता रहे हैं कि डार्कनेस हो जाएगी और फोर्ट एरी में 100% है पूरा, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छाने वाला। ये वहीं पे ही जो है ना बीच पे खड़े हैं और लाइव दिखा रहे हैं वहाँ से। ये देखो टोरंटो में क्या सीन है इस टाइम, बाहर लोग अपने अपार्टमेंट के बाहर निकल के सारे जो है ना
पब्लिक प्लेसेस पे आके जो ग्रासी एरिया सारे वहाँ बैठ गए हैं और जो है ना व्यूइंग पार्टी जो वहाँ पे प्रॉपर चल रही है, वेट किया जा रहा है। जैसे ही 3:19 होंगे और उस टाइम बिल्कुल अंधेरा छाया जाएगा, क्योंकि 99% है यहाँ पे जो अंधेरा होना है, डार्कनेस 99% टोरंटो में, पूरा नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैनेडा में दिखाई जा रही है, जो कि सोलर एक्लिप्स होना है। बहुत से लोग बाहर निकले हुए, ऑलमोस्ट पूरा कैनेडा ही इस टाइम बाहर है। अभी मैं भी जाता हूँ थोड़ी देर ऊपर और देखता हूँ पार्किंग लॉट्स में जितना भी मेरे साथ इर्द गिर्द का एरिया, सारा आपको दिखाऊँगा कि भाई यहाँ पे कितनी टोटल जो है डार्कनेस हुई है। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप लोग देखो, इन्जॉय करो और ज़रूर बताना कि आपकी तरफ क्या सीन है। ये सिटी टू सिटी वैरी करता है। देखो यहाँ पे जहाँ पे ये इस टाइम मौजूद है, पीछे आप लोग देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अभी और भी हो रहा है जो है ना, अंधेरा हो रहा है वहाँ पे, तो मुझे भी ऊपर जाना चाहिए और मैं भी ऊपर जाके देखता हूँ ऊपर क्या सीन चल रहा है और आप लोगों को जाके दिखाता हूँ भाई। इर्द गिर्द का जो भी एरिया मेरे घर के पास लगता है वो आपको दिखाता हूँ लाइव जाके ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अंधेरा होना शुरू हो गया। अच्छा खासा जो दिन था वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो चुकी हो। आहिस्ता आहिस्ता और अंधेरा हो रहा है अभी अभी, आगे चल के देखते हैं भाई। बिल्कुल डार्क हो गई, आप आसमान देखो, ऐसा लगता है कि ना जैसे शाम के 7 बजे का टाइम होता है ना, मगरिब के बाद का वो वाला टाइम हो रहा है। बिल्कुल स्काई देखो आपको, बिल्कुल रात हो चुकी है। इस टाइम अंधेरा होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ये दिन के अभी दिन के 3 बजे हैं, ये दिन के 3 बजे का टाइम है यार। ये देखो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई हैं, ऊपर से हर जगह स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई हैं। बिल्कुल जो है वो अंधेरा होना आहिस्ता आहिस्ता ना और डार्क हो रहा है, जैसे जैसे अभी टाइम आगे जा रहा है और डार्क हो रहा है, बिल्कुल डार्क होता जा रहा है। ये देखो लोगों के घरों की जो बाहर लाइट्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं यहाँ पे। वाह यार, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम जो है ना मैं ये फेस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। ये देखो ट्रैफिक रुक गई है, क्योंकि न्यूज़ में यही दिखा रहे हैं कि अगर जब भी आप रोड पर हो तो गाड़ी वहीं पर रोक दो। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रोड खाली हो गए हैं, आप लोग देखो रोड्स जो हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, एक एक गाड़ी घूम रही है। क्योंकि जहाँ पे भी उन्होंने कहा है टीवी पे, हर जगह न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि आप जहाँ पे भी हो अपनी गाड़ी वहीं पे रोक दो, ड्राइव मत करो। 3:19 पर ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है। ये टोरंटो का सीन आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरे घर के पास पार्किंग लॉट है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे कुछ लोग जमा है, उनसे देखते हो वो वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल डार्कनेस छाती जा रही है। बहुत ज़बरदस्त सीन होने वाला है यहाँ। मेरे पीछे इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इसको देख रहे हैं। इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबल। बिल्कुल जो है ना इट्स हैपनिंग नाउ, लाइक इट कवर्ड बाय द क्लाउड्स। मज़ा आ गया यार, आप लोग देखो बिल्कुल अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधेरा छा गया। आहिस्ता आहिस्ता करके ना हर जगह बिल्कुल दोपहर का सीन, यानी कि ये देखो चांद देखो सूरज के आगे बिल्कुल छुप चुका है। इट्स इनक्रेडिबल, यानी कि यार मज़ा आ गया, दोपहर एकदम रात में बदल गई है। ये देखो ये वीडियो है ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद एक्लिप्स होने के। पहले जो था जब एक्लिप्स हुआ था उस टाइम कितना डार्क हो गया था, स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई थी, हर जगह ट्रैफिक रुकी हुई थी, और ठीक 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है ना वो धूप निकल आई है, फ़ौरन दिन हो गया है। पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है ना वो रात हो गई थी। तो व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा, बहुत ही अच्छा लगा। इर्द गिर्द के पार्क जहाँ पे मैं, मेरे घर के साथ लेक शोर था, वहाँ पे गया, इतने लोग निकले हुए थे, और जब एक्लिप्स हुआ तो भाई क्या उन्होंने चीखे मारी, क्या उन्होंने हरकतें की, बड़ा मज़ा आया देख के। तो जी फाइनली जो है ना दिन नॉर्मल हो गया है बिल्कुल। एक यानी कि आप सोच नहीं सकते 5-10 मिनट का जो वो सीन था, जो डार्कनेस थी,
वो उसके बाद फौरन सूरज का आ जाना और धूप निकल आनी, क्या अमेजिंग व्यू था। यानी कि एक आप सोचोगे कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था यार, लाइफ टाइम। यानी कि अच्छी खासी धूप थी पहले, बीच में अचानक जब 3:19 हुए, ठीक 3:17 से 19 के बीच में भाई अचानक ऐसे अंधेरा हुआ कि बिल्कुल डार्कनेस हर जगह छा गई। परिंदे जो है उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और मैं आपको बता नहीं सकता भाई, मेरे लिए मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। जितने भी लोग थे सारे पार्किंग लॉट्स में पहुंचे हुए थे अपने अपने, जो है कुछ लोग जो है लेक शोर पे पहुंचे हुए थे, नायग्रा फॉल गए हुए थे, बहुत मज़ा आया। ज़्यादा नहीं था लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट के लिए जो है पूरी डार्कनेस छा गई, लेकिन उस डार्कनेस ने जो एक लाइफ टाइम का आपका जो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है ना वो उसने बना दिया। अभी ख़त्म हुआ, अब जैसे ही ख़त्म हुआ तो सीन लोग फौरन अपने घरों को निकल रहे हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक ज़रूर करना, और बताना आप लोग बताना कि आप पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आया, इंडिया में भी शायद नज़र नहीं आया होगा, कहीं और से अगर वीडियो देख रहे हो तो बताना आप लोगों की तरफ सोलर एक्लिप्स का क्या सीन था, कितनी डार्कनेस हुई थी या नहीं हुई थी। This is your captain speaking. We'll be flying at an altitude of 30,000 feet. We've been cleared for takeoff.